Welcome to the channel, guys. Subscribe and hit the notification bell for daily Clash of Clans videos as well as live streams. What's going on, guys? मेरा नाम अनवित है और इस वीडियो पे हम लोग न्यू फाउंड लीजियंस में हुए लास्ट वॉर के सबसे बेहतरीन अटैक्स देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि रिसेंटली मैंने रेगुलर अपलोड नहीं किए और इसका कारण बेसिक एक ही कारण है, दैट इज माई एग्जाम्स वेर गोइंग ऑन। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। एंड नाउ विद दैट बींग सेड, हम लोग देखेंगे ये वीडियो। तो आप देख सकते हो, वी वेर मैच्ड अप अगेंस्ट अ लेवल 13 क्लैंस गाइज, और वी बीट देम प्रिटी बैडली। स्कोर था 59-35, 20 versus 20 का वॉर था, एंड वी मैनेज टू गेट 59 आउट ऑफ द 60 स्टार्स, एंड इट वॉज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ आवर टाउन हॉल 9s एंड टाउन हॉल 8s। टाउन हॉल 11s वेर अ लिटिल बिट शेडी, माई सेल्फ इंक्लूडेड, बट कोई नहीं, वी विल लुक एट अ फ्यू अटैक्स। सो ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दे डिड नॉट यूज द ओपोनेंट डिड नॉट यूज द कंप्लीट अटैक्स, बट वी मैनेज टू गेट अ लॉट ऑफ स्टार्स। तो जो पहला अटैक हम लोग देखेंगे, दैट विल बी ऑन नंबर 2। ये अटैक किया था हमारे क्लैन से स्काई प्राइम, ये मेरा सब्सक्राइबर है, रिसेंटली क्लैन ज्वाइन किया है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, एंड ही हैज़ अ इंजीनियर्ड बेस। गाइज, क्लैन नया है तो थोड़ा तो इंजीनियर्ड बेसिस रहना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके पास ज़्यादा कुछ हाई लेवल हीरोज भी नहीं है, सिर्फ लेवल 8 का वार्डन है, बट इसने यूज़ किया है मास लून्स विथ हाउंस, और लूनियन आर्मी था एक्चुअली, मिनियंस काफ़ी कम थे, तो इट्स अ लावा लून आर्मी। सो हम लोग अटैक एक बार देख लेते हैं। सो यू कैन सी ही इज़ गोइंग टू ड्रॉप प्रिसिशन हेस्ट स्पेल्स एंड टारगेट द एयर डिफेंस। यार, बेस का लूप होल्स को आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इन द टर्न ही एक्सेस द सीसी, जो वहाँ से वो ड्रैगन को निकाल लिया है, और अब वो अपना जो हीरोज़ है उसको यूज़ करेगा इस ड्रैगन को मारने के लिए। सो वी विल जस्ट सी लिटिल बिट फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। तो द ड्रैगन हैज़ कम टू द साइड, एंड इसने क्वीन का एबिलिटी यूज़ कर दिया है, ड्रैगन अभी डाउन हो गया है, एंड अभी यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हे स्पेल डाला गया है, और पीछे से कितने सारे लून्स आने वाले हैं। गाइस, ये अटैक, द गाई एक्चुअली मैनेज टू थ्री स्टार टाउन हॉल 11। गाइज, ये अटैक कभी ईजी नहीं होता है, एंड इस अटैक का सक्सेस के पीछे आई वुड सजेस्ट, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इस ये जो कॉम्पैक्ट है ना, कॉम्पैक्टनेस है बेस का, कोई भी ज़्यादा गैप नहीं है बेस में, दैट इज़ द की गाइज, एंड ये अटैक स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ओपोनेंट का जो क्वीन है उसके ऊपर पप्स काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये लॉजिक तो आप लोग टाउन हॉल 9 में भी यूज़ करते हो, पेंटा लालून क्वाड लालून में, तो ही अप्लाइड इट इन टाउन हॉल 11 गाइज, एंड दैट्स अ फिनोमिनल वे। यहाँ पे इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से बेस को स्काउट किया था, एंड आई रियली एक्चुअली आई माई सेल्फ फेल्ड ऑन दिस बेस, एंड ही डिड अ ग्रेट अटैक, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ये हमारे क्लैन का मेम्बर है अभी, एंड ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर, एंड आई एम हैविंग अ ब्लास्ट फाइटिंग अगेंस्ट different clans alongside these people। So यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी लावा पप्स जो है वो सराउंडिंग क्लीन अप करना स्टार्ट कर दिया है, और लून्स भी बाकी है, और इसके पास 5 मिनियंस भी है जो ये यूज़ करेगा बाकी का बेस को क्लियर अप करने के लिए। सो वी विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड द अटैक एंड सी हाउ इट गोज। तो आप लोग देख सकते हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड गाइज, टाउन हॉल 11 को किसी भी टाइम पे 3-स्टार करना आसान नहीं होता है, एंड ही मेड इट लुक सो वेरी इजी दैट आई हैड टू शेयर दिस अटैक विथ यू, एंड इट वाज अ ग्रेट अटैक माई अकॉर्डिंग टू मी। किंग का एबिलिटी भी नहीं यूज़ किया, एंड दैट वाज अ 100% 3-स्टार फॉर अस। तो चलिए दूसरा अटैक एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट अटैक जो हम लोग देखेंगे, दैट वुड बी ऑन नंबर 7। इस अटैक को किया था रॉय ने, ये भी नया सब्सक्राइबर है और क्लैन में नया आया है, ही ज्वाइन द क्लैन फ्रॉम द स्ट्रीम। सो गाइज, आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वॉर करना है आप आइए। सो यहाँ पे ही इज गोइंग टू गो विथ सम हॉग्स, सम गोलम्स, अ पेका एंड सम बोलर्स। यार, काफ़ी मिक्सड अप आर्मी है, तो वी विल सी, एंड आप प्लीज़ कॉमेंट्स पे बताइए मुझे इस अटैक स्ट्रैटेजी का नाम हम लोग क्या डालेंगे।
बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अटैक स्ट्रैटेजी है. बोलर्स है सीसी में और ही इज गोइंग विद अ स्टोन्ड एंट्री नेकेड क्वीन वॉक. नेकेड क्वीन वॉक का मतलब होता है क्वीन वॉक करेगा बट उसके ऊपर हीलर्स नहीं रहेंगे बिकॉज सारे जो डिफेंसेज है वो गोलम्स के ऊपर फोकस कर रहा है एंड ही इज़ क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल फनल. और यहाँ पे वॉल ब्रेकर का इस्तेमाल तो बहुत ही अच्छा किया है इसने एंड क्वीन ने देखिए कितना बढ़िया तरीके से एक विजर्ड टावर को भी उड़ा दिया है. पेका भी डाल दिया है. बोलर्स भी आ गए हैं सो आई एम गेसिंग ही इज़ गोइंग टू टेक अ जंप समवेयर समथिंग अराउंड हियर. डबल पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यार रेज के अंदर मैक्स आउट बोलर्स तो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. सो गाइज यहाँ पे जंप स्पेल का इस्तेमाल हो गया. ही इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस द क्वीन. यहाँ पे एनिमी क्वीन को मारना है इसको दैट्स वाई ही जम्प्ड दिस साइड. आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि यार हॉग अटैक अगर आप करते हो तो आपको एनिमी क्वीन को मारना बहुत ही ज़रूरी है और पीछे से बैक एंड हॉग्स यहाँ पे बहुत ही चीकी तरीके से इसने डाला है. गाइस आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ जब अटैक कीजिएगा जस्ट लुक फॉर डिफेंसेस जो ऑलरेडी किल स्क्वाड के ऊपर फोकस्ड है और पीछे से हॉग्स डालना स्टार्ट कर दीजिए. आप देख सकते हो हॉग्स के ऊपर ज़्यादातर डैमेज नहीं हो रहा है और हॉग्स जो है वो अनटच्ड पूरा बेस के ऊपर से जाएगा बिकॉज सारे जो डिफेंसेज है वो गोलम या फिर हीरोज या फिर आर्चर्स जो है इसके ऊपर फोकस्ड है तो हॉग्स बेसिकली जाएंगे और डिफेंसेज उड़ाएंगे एंड दैट्स ब्यूटीफुल वे गाइस. यहाँ पे सर्जिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ हॉग्स आपको देखने को मिल जाएगा और डबल जाइंट बॉम्ब तो यार गोलम ने ही ट्रिगर कर दिया. और ऐसे तो अभी तो लेवल 5 हॉग्स मरते नहीं है, लेवल 4 5 हॉग्स मरते नहीं है बट डबल जॉइंट बॉम्ब से बट स्टिल यार फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेज यार बहुत ही बढ़िया हॉग डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है. एंड यहाँ पे इसने स्वैग किया है एक हील स्पेल. यार हॉग अटैक हील स्पेल स्वैग करने के साथ अगर आप करते हो सो इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड गुड अटैक एंड आई रियली रियली एंजॉयड दिस अटैक. सो ऑल द वेरी बेस्ट रॉय एंड थैंक यू फॉर डूइंग सच अ गुड जॉब इन द वॉर. थैंक यू एंड गाइज वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट अनदर अटैक जो होगा शेडी नाम का बंदे से. ही डिड द अटैक ऑन नंबर 8. यहाँ पे भी एक सिमिलर स्टाइल ऑफ अटैक आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे इसने विजर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं फॉर फनल. गाइस ये आपको वैरी करवाने हैं ठीक है ना. यू हैव टू वैरी द की कॉम्पोनेंट जो द कॉम्पोनेंट्स विच विल मेक यू गेट अ प्रॉपर फनल. यू हैव टू मेक देम ऑन योर ओन एंड एडजस्ट फ्रॉम बेस टू बेस. एंड यहाँ पे तीन विजर्ड्स और सामने एक एक गोलम डाला गया है और पेका भी डाला गया है बिकॉज यहाँ पे किंग तो है ही. तो और यहाँ पे वॉल ब्रेकर का इस्तेमाल ही नहीं किया है बिकॉज गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ही हैज़ अ डायरेक्ट एंट्री टू द कोर बिकॉज डायरेक्ट अगर आप जंप स्पेल फेलते हो तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है. सो ही इज जस्ट गोइंग टू यूज दैट एंड वॉल ब्रेकर का जो स्पेस है उसने उसको बचा लिया है एंड यहाँ पे आपको मैक्स बोलर्स आना स्टार्ट हो गए हैं. क्वीन भी डाउन है और बोलर्स तो जाएंगे बीच में जाके बहुत डैमेज करेंगे एंड यू कैन सी गाइस यहाँ पे फनल का कितना महत्वपूर्ण इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. एंड यहाँ पे किंग जो है सीसी के साथ एनकाउंटर करना स्टार्ट कर दिया है. किंग का एबिलिटी भी यूज हो गया है और यहाँ पे रेज स्पेल भी डाल दिया है. एंड यहाँ पे इस अटैक को मैं दिखाने का कारण बेसिकली है हॉग डिप्लॉयमेंट. गाइज यहाँ पे देखो तीन डिफेंसेस के ऊपर साइमल्टेनियसली हॉग्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं एंड दैट्स अ ग्रेट गाइज. एंड एक्सपो जो था वो भी अभी बिजी था बोलर्स के ऊपर मारने से एंड दैट्स वाई यार यहाँ पे थोड़ा किल स्क्वाड स्लो पड़ गया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बट यहाँ पे इसने हील स्पेल डाल दिया एनिमी क्वीन के ऊपर और एनिमी क्वीन जा रहा है अभी हॉक को मारने. दैट्स वाई इट्स अ परफेक्ट वे एंड पॉइजन भी डाला गया है क्वीन को थोड़ा स्लो करने के लिए. तो हॉक्स पीछे से आ रहे हैं एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. क्वीन यहाँ पे काम कर रहा है एंड क्वीन भी डिफेंसेज उड़ा रहा है और अभी तो यार 3-4 डिफेंसेज ही बाकी है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड आई रियली वॉन्टेड टू शो यार कि कैसे कौन से टाइप तरीके से आपको हॉग्स डिप्लॉय करने हैं ताकि ऑल द टाइम आपके ज़्यादातर हॉग्स प्रोटेक्टेड रहे. दिस इज़ द स्ट्रैटेजिक वे यार. आपको सर्जिकली हॉग डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अगर आपको टाउन हॉल 9 में बैक टू बैक 3 स्टार्स लाने हैं तो. सो लेट्स जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट एंड सी बिकॉज इट्स जस्ट अ रैप एंड दैट्स अ 3 स्टार फॉर अस एंड आई रियली एन्जॉय दिस अटैक. इस अटैक्स को आप बार बार देखिए यू विल नो हाउ टू डू दिस अटैक्स एंड गेट रिपीटेड 3 स्टार्स. तो चलिए एक और अटैक हम लोग देखेंगे दैट वुड बी डन बाय आई थिंक वोल्टेरा फ्रॉम आवर क्लैन. यहाँ पे भी आपको एक स्टोन्ड एंट्री यहाँ पे 3 गोलम का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा और ये 3 गोलम का इस्तेमाल जो है ये ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए है आपको देखने को मिलेगा. जस्ट सी हाउ मच प्रोटेक्शन ही शी इज़ गेटिंग एंड शी इट्स अ शी बाय द वे एंड
यार विजर्ड्स तो पीछे से आ रहे हैं, कितना पूरा एक साइड का फनल बना दिया है, वॉल ब्रेकर्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं, तो अभी तो किंग क्वीन जाएगा। और बोलर्स, यार बोलर्स तो टाउन हॉल 9 का मेटा हो गया यार, सब लोग बोलर्स यूज़ करते हैं और कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलर्स आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एंड यहाँ पे सीसी के साथ एनकाउंटर हुआ, क्वीन को भी किल कर दिया। एंड यहाँ पे हॉग्स जो है, ये यहाँ पे भी आपको सर्जिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ हॉग्स देखने को मिल जाएगा, 3 से 4 हॉग्स आएंगे हर डिफेंसेस के ऊपर जो डिस्टर्ब्ड है, मतलब डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो बीच का जो मेन ट्रूप्स है, बल्क है, उसके ऊपर डिस्ट्रैक्टेड है, उसको पीछे से आके हॉग्स को हॉग्स के द्वारा उड़ाना है आपको। दैट्स द की गाइस, ये आप कीजिए, आपका 3-स्टार कोई नहीं रोक पाएगा। एंड यहाँ पे देखिए कितने सारे हॉग्स बाकी है और कुछ ही डिफेंसेस बाकी है, और इसके पास एक हील स्पेल बाकी है जो ये आराम से यूज़ करेगी, एंड शी इज़ गोइंग टू गेट अ स्मूथ 3-स्टार ऑन दिस टाउन हॉल 9। ये स्टैंडर्ड टाउन हॉल 9 से है यार, कुछ एंटी 3-स्टार बेसिस है, कुछ एंटी 2-स्टार बेसिस है, बट इसको अगर टैकल करना है तो हॉग्स आप यूज़ कीजिए। आप इसमें लावा लून भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोगों को ग्राउंड अटैक देखने को मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट विथ यू गाइस। एंड किंग और क्वीन का भी हेल्थ बाकी है, एंड हॉग्स तो यार क्लीन अप कर देगा। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट एंड वी विल जस्ट रैप इट अप गाइस। एक और अटैक हम लोग आपको दिखाएंगे, इट विल बी अ टाउन हॉल 8 अटैक, क्योंकि क्लैन में काफ़ी सारे टाउन हॉल 8s है और अच्छे अटैक्स कर रहे हैं। सो लेट्स गो एंड लुक एट नंबर 15 के ऊपर इसने अटैक किया था राइजो ने, सो लेट्स जस्ट गो एंड चेक दैट अटैक आउट। सो गाइज, ये वाला जो बेस है इसको आप थोड़ा गौर कीजिए, यू कैन सी एक कंपार्टमेंट में 3 एयर डिफेंस एक साथ बंच अप करके रखा गया है। एंड माई सजेशन टू ऑल द टाउन हॉल 8 प्लेयर्स इज, ऐसे बेसिस को आप ढूंढिए और ऐसे अटैक कीजिए, इट्स अ गो वालो स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको वेलकाइडीज और किल स्क्वाड यूज़ करके तीनों एयर डिफेंसेस उड़ाने हैं, और पीछे से जैसे हम लोग गोवा हो में हॉक्स छोड़ते वैसे ही लून्स डालना है। तो जस्ट लुक एट द अटैक हाउ राइजो डिड इट। यहाँ पे देखिए क्वाड क्वेक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इसको स्ट्रेट पाथ मिल गया, एंड एक्चुअली ये बेस डिफेंस वाइज कम्प्लीटली मैक्सड आउट था, बट वॉल वाइज उतना नहीं था, सो इट्स मोर ऑफ एन एडवांटेजियस पोजिशन कि आप वैल्स यूज़ कीजिए। यहाँ पे सीसी से मैक्स वैल्स पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड यहाँ पे क्वीन बलून यूज़ करके एनिमी सीसी को ड्रॉ किया गया है। एंड यू कैन सी वॉल ब्रेकर्स डाउन हो गए हैं, एंड नाउ द गोलम्स विल जस्ट गो इनसाइड, एंड यहाँ पे वैल्स को भी यू ड्रॉप कर दिया जाएगा, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ रेज। यार रेज स्पेल में वेलकायरीज बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, यू कैन सी ही सेविंग सम वेलकायरीज फॉर द लास्ट पार्ट। और यहाँ पे हील स्पेल जो है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू कीप योर वेलकायरीज एब्सोल्युटली अलाइव। और देखिए स्ट्रेटेजिकली सर्जिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ लून्स आपको देखने को मिलेगा, एंड इट्स गुड गाइज। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी ऐसे बेसिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, टाइम का कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऐसे बेसिस जो बनाते हैं ना, दे आर मेकिंग इट जस्ट बेसिकली एंटी ड्रैगन स्टाइल बेसिस, कोर में 3 एयर डिफेंस डाल दो तो ड्रैगन्स को टैकल कर लेगा। सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो काउंटर करने के लिए, और कितना आसानी से पूरा बेस उड़ गया गाइस, सारे बेसिस उड़ गए, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी तो क्लीन अप है, वी विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस अटैक एंड सी जस्ट अभी तो ये बलून्स जो है, इसने एक बलून रखे थे ताकि क्लीन अप में भी काम आ सके, सो ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट एंड गेट द 3-स्टार फॉर दिस बेस। एंड टाउन हॉल 8s में अगर आप टाउन हॉल 8 होके 3-स्टार करते हो तो आप टाउन हॉल 9s के काम बहुत आसान कर देते हो। सो गाइज, ऐसे अटैक स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कीजिए, एंड आई कैन गारंटी यू ऑन दिस, आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस 3-स्टार्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये अटैक्स अच्छे लगे हैं, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर डेली क्लैश ऑफ क्लैंस वीडियोज़ एज वेल एज लाइव स्ट्रीम्स।